नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मु निवेदिता बुलेटिन पूर्वरु हेडलाइंस मामुबड़ जाघाई प्रसंग लोकायुक्त नोटिस परे विधायक प्रणव बलवंतराय को घेरिले विरोधी अपराधिक विरोध रे ने से लगाइबा को दाबी कला बीजेपी विधायक जंत्री को टारगेट कला कांग्रेस कलाहांडी मां माणिकेश्वरी छत्र यात्रा पर जिला प्रशासन गाइडलाइन भवानी पटना सहर में 23 तीनिदिन 144 धारा एकाची होपारे चारि अधिक लोक मैट्रिक सप्लीमेंटारी रिजल्ट प्रकाश पास कले 15224 छात्र छात्री कहारी को मिलनी ए वन ग्रेड ए टू रे 10 जन बी वन रे 195 और बी टू रे 930 जन कृतकार्य बिहार पर बीजेपी संकल्प पत्र एथर स्लोगान 5 सूत्र 111 संकल्प 19 लाख नुआ रोजगार स्वप्न मागणा वैक्सीन देवा को प्रतिश्रुति दल पश्चिमबंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति पूजा उद्घाटन कले पूजा मंडप कहले आत्मनिर्भर भारत में सुनार बांगला संकल्प पुणी दोहराइले नारी सशक्तिकरण कथा सबु प्रकार चैलेंज को हरबार क्षमता रखिपे नारी आज दिनक 1913 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन सेंटर 109 स्थानीय संक्रमण 804 खोर्धार सर्वाधिक 254 पॉजिटिव चिन्हट राज्य में पुणी 15 मुंड नहीं घनीभूत है बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप आज ने अवपात रूप राज्य में तीन दिन प्रबल वर्षा गजपति गंजाम को अरेज सह 8 जिला को येलो वार्निंग कचाघर हो प्रभावित भूस्खलन आशंका एवं आज मंडपे षष्ठी विलोबरण पर पूजा पाए महामाया सेपटे शक्तिपीठ से चली मां सप्तमी पूजा विभिन्न बेश दर्शन देखते मां जगजन आसवा संपूर्ण खबर को बहु चर्चित मामू फणजा घाई को नहीं लोकायुक्त नोटिस परे विधायक प्रणव बलवंतराय को घेरिले विरोधी एने बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामत सियार बर्षिंट घाई को डिनामाइट लगाई उड़ाई दिगला और जघन्य अपराध एपराधी विरोध में एनएसए लगवा कथा विधायक प्रणव बलवंतराय और मामू जेई नरेन जेना अपराधी थे सरकार घंट घोड़ाई चेष्टा करुते लोकायुक्त यार गुरुत्व को बुझिंट और उभय को पक्ष रखापी नोटिस करपरी विधायक सुर राउतराय बर्षिंट घाई सेठाकार विधायक जेई दायी रही से कहते जे से स्पट को जा देखी एवं डिनामाइट लगाई भंगा जा स्वयं निजे जेई आ विधायक दायी मु स्पॉट को जाइली से देखी थी डिनामाइट पकई कि भंगा जा 8 मास तले से रोड होता प्राय के 30 कोटी ना 40 कोटी टाइम खर्च होता 24 कोटी 30 कोटी खर्च होता संपूर्ण भांगी जाए 50 कोटी लगे निहाती कम रे ए गरीब जनसाधारण को पैसा ओडिशार नोटिस अनुसंधान हम सरकार ताकर ये अनुसंधान किसी मूल्य रही कहीं आशा कर देखु मामू भणजा घाई जोटा रमापुर वृद्धलिंग भितर ताकू बन्या समय रे डिनामाइट देकरी निजे धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंतराय एवं तांका मामू जी हूँ जेई से ही पंचायतर नरेन जेना दुई जन अपराधी थिले आमे कहिलु प्रेसमिट भी कलु प्रमाण भी देखेलु किंतु राज्य सरकार से दुई जन को प्रभावशाली लोक होता हेतु घंट घोड़ेबा चेष्टा करुले किंतु आमे तो धन्यवाद दबू जे लोकायुक्त याकु कॉग्निजेंस नहीं कथार गुरुत्व को बुझिंट उभय को कारण दर्शा नोटिस पक्ष रखापी कि कोरोना काल में संपन्न होब कलाहांडी मां माणिकेश्वरी छतर यात्रा परंपरा को पालन करने को जिला प्रशासन छतर यात्रा पर जारी कर गाइडलाइन भवानीपाटना सहर में 23 तारीख रु प्रवेश नहीं कटकणा जारी रही है 23 तारीख रु तीन दिन 144 धारा होवल मेडिकल ग्राउंड में लोकों सहर को आसवा को अनुमति दिज्व कौन स्थान में एकाठी हो पारे नहीं 4 अधिक लोक कोरोना कटक पालन कर संपन्न होणिकेश्वरी छतर यात्रार रीतनीति प्रत्येक वर्ष यह यात्रा रे हजार हजार लोकों समावेश देखा मिलता है एथर कोरोना संक्रमण को नजर रखि लोकों भिड़ एड़ को आगुआ कटक जारी कर जिला प्रशासन
तेबे एने अधिक आलोचना करबा पई कोलाहांडी रु आम प्रतिनिधि जशवंत धागड़ा माझी आम सहित जोड़ी होती। तेबे जशवंत, जेंभळी भाबे कोलाहांडी मां माणिकेश्वरी छत्र यात्रा बेस नियारा होइथाय एवं प्रति वर्ष एठारे हजार हजार लोकंक भिड़ जमिथाय, किंतु चलित वर्ष अनेक गाइडलाइन आसीछि, कोरोना पई अनेक कटकणा जारी करा जाइछि। केउ को गाइडलाइन सब जिला प्रशासन माने जदि कहबा कि अनुमति देबा पई कहिछि एवं कोन सब कटकणा रहिछि? निश्चित भाव में निवेदिता देखो, यह विगत वर्ष रनेक वर्ष है शह शह वर्ष है धरिकी कोलाहांडी जिलार जो अधिष्ठात्री देवी माँ माणिकेश्वरी अच्छा प्रसिद्ध जो छतर यात्रा पालन कर प्रत्येक वर्ष आश्विन मास शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि महाअष्टमी जो तिथि अच्छी से महाअष्टमी तिथि माणिकेश्वरी मंदिर में विभिन्न गुप्त नीति सरला नवमी तिथि माँ माणिकेश्वरी छतर धरिकी निकट जो जेनाखाल को जा सेठ गुप्त पूजा पर प्रातरु जो नवमी प्रातर माँ माणिकेश्वरी छतर बाहरी था जो चार किलोमीटर धरी मंदिर पर्यंत चार किलोमीटर रास्ता अच्छी जो भक्त मैंने अच्छा जो श्रद्धालु मैंने अच्छा से मैंने जो मानसिक को से समय शह शह संख्यार विभिन्न कुकुड़ा छेली पारा ये सबू मानने बलि किंतु चलित वर्ष जेहेतु कोरोना महामारी चली कोलाहांडी जिले में मध्य पाखापाखि पांच हजार रु ऊर्ध कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ी ताकु दृष्टि रखी चलित वर्ष ठीक पुरी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा जेभली भाव में बिना भक्त रथयात्रा है ठीक से भली भाव में कोलाहांडी जिलार जो अधिष्ठात्री देवी माँ माणिकेश्वरी छतर यात्रा बिना भक्त जहां निष्पत्ति हेबो बोलिके जहां जिला प्रशासन निष्पत्ति नहीं एवं जिलापाल एवं एसपी पूरा समस्त को निवेदन करछंती एवं एति पई जेहेतु 24 तारीख दिन कोलाहांडी जिलार जो देवी माने छतर यात्रा अछि सेति पई आज मध्य रात्रि रु 25 तारीख मध्य रात्रि पर्यंत भवानी पटना शहर रे पूरा 144 धारा जारी करा जाइछि एवं एही जो 144 धारा जेहेतु जारी करा जाइछि जे माने भी जे व्यक्ति विशेष या को उल्लंघन करिबो तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान न्याय जीव बोली के जहां जिलापाल जहां सूचना देछंती एवं कोलाहांडी एसपी मध्य सूचना देछंती नि जाइछ। बहुत बहुत धन्यवाद जशवंत आपण का तमाम सूचना पाई। तेज जो भाव कोलाहांडी माणिकेश्वरी छत्र यात्रा बेस नियारा भाव पालन करु चलित थर जेहेतु कोरोना कटक जारी कर कटक मध्य समस्त गाइडलाइन मानवा को कहुई जी गाइडलाइन उल्लंघन करेंगे तक विरोध में दृढ़ कार्यानुषान दिजापी प्रशासन पक्ष निर्देश रही। 10 छुट्टी खोला रहिबो परिवहन कार्यालय आसंता 24 और 26 तारीख कार्यालय खोला रहिबो। उक्त दुई दिन पूरा दिन नुहे 2 घंटा पई खोला रहिबो एवं गाड़ी पंजीकरण पई कार्यालय खोला रहिबो बोली जना पड़िछे। याकु ने निर्देश देले राज्य परिवहन कमिश्नर। पश्चिमबंगे दुर्गापूजार शुभेच्छा जनइले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। यहस प्रधानमंत्री आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखि पूजा अवसर में प्रत्येक बुथ में प्रभावशाली भाव में पहुंचापी प्रस्तुति चलते या 294 विधानसभा निर्वाचन मंडल में 78,000 मतदान केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुशी बार्ता प्रसारण कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभिभाषण में दुर्गापूजा समग्र देशवासी को अभिनंदन जनई से कोरोना कटक दुर्गा पूजा पालन करुछन्ते आयोजन आयोजक माने मध्य अनेक व्यवस्था करिछन्ते। कोरोना हुए तो संख्या को प्रभावित करिथाय न पारे किंतु महानता समान रहिबो। ट्विटर को कड़ा चेतावनी देले केंद्र सरकार। भारतर भूल मानचित्र देखाइबा अभियोगे केंद्र सरकार एही चेतावनी देइछन्ते। सरकार कहिछन्ति देशर सार्वभौमत्व और अखंडता को अवमानना करिबा पई ट्विटर रो प्रयास ग्रहणीय नुहे। यार प्रति उत्तर रे ट्विटर कहिछि सम्मान करे और सरकार को सह काम करबा को प्रतिश्रुतिबद्ध। केंद्र सरकार को सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय सचिव अजय साहणी याकु नै ट्विटर रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी जैक डोशी को पत्र लिखिछन्ते।
କଥାରେ ଅଛି ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାକୁ ଭଗବାନ ସାହା। ଏଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ। ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦମ୍ପତି ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ନିକଟରୁ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫ୍ୟାଲିସ୍ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସିଏଏରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ। ସୂଚନା ପାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଦମ୍ପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ଶିଶୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷୋଳଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର କରଜ କରି ଫସଲ ଅମଳ ବେଳକୁ ଏଭଳି କ୍ଷତି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଅସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଏଭଳି କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାରଡ଼ପଲ୍ଲୀ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଗତ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବୀରବର ବେରାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ବେରାଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ବରଡାଳିଆ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋଲଗଡ଼ ପୁଲିସ, ବାଙ୍କୋଇ ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ମାୟାଧର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ଓ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ସେ ନିଜେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆସାମୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 21,487 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15,244 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ A1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ କେହି ପାସ୍ କରିନଥିବା ବେଳେ A2 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 10 ଜଣ, B1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 195 ଜଣ, B2 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 930 ଜଣ, C ଗ୍ରେଡ୍ରେ 1902 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ଥର 6,218 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବିହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର। ଏଥର ବିଜେପିର ସ୍ଲୋଗାନ 5 ସୂତ୍ର, 1 ଲକ୍ଷ ଓ 11 ସଂକଳ୍ପ। ରୋଜଗାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି ଦଳ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ କହିଛି ବିଜେପି। 19 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ବିହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ତୟାରୀ, ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏଥର ବିଜେପିର ସ୍ଲୋଗାନ 5 ସୂତ୍ର, 1 ଲକ୍ଷ ଓ 11 ସଂକଳ୍ପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିହାରର ଜନତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବ ଦଳ। ଏଥିରେ 19 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। वी फुलफिल आवर प्रॉमिस। भारत देश में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है जो उनके संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसे के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇ ଗୁଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ପି ରେଟ୍ରେ ଧାନ ଓ ଗହମ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଲି କିଣାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଖୋଲିବ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ।
एक वर्ष भितरे 3 लाख नुआ शिक्षकों निजुक्ति पाई बिहारवासी को प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। बिहार को आत्मनिर्भर करबा सह 1 कोटी महिला को रोजगार देबा को योजना। वर्षे भितरे 15 नुआ प्रोसेसिंग यूनिट खोलिबा को लक्ष्य रखा जाइछि। 2020 भितरे बिहार को 30 लाख नुआ पक्का घर देबा को घोषणा करिछि बीजेपी। सेहिपरि समस्त को मागणा कोरोना वैक्सीन देबा को बड़ घोषणा करिछि दल। जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता है, उसके वजह से इकोनॉमी बढ़ता है, उसके वजह से हर नागरिक का इनकम भी बढ़ जाती है। 243 विधानसभा आसन पाई बिहार रे हेबो मतदान, 3टी पर्याय रे हेबो वोटिंग। 28 अक्टूबर रे प्रथम पर्याय वोट देबो बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तबे बिहार विधानसभा निर्वाचन पई जोरसोरे चलेछि प्रस्तुति एवं किभली जनतांको मूड कोन रहिछि सदासक आलोचना पई सेठारे हम प्रतिनिधि इमरान खान अछन्ति। तबे इमरान, बिहार रे राजनैतिक माहौल किभली रहिछि, जा कैंपेनिंग मध्य आरंभ होय गलाणि, एपे वर्तमान रो स्थिति कोन रहिछि सेठारे? देखु निर्वाचिता वर्तमान बिहार राजनैतिक माहौल पूरा पूरी भाव में सरगरम हो उठी। हेवी वेट बा स्टार प्रचारक मैंने जो प्रार्थी रही से बर्तमान प्रचार करचार मैदान में बर्तमान ओल्लुँच लोभनीय प्रतिश्रुति बर्तमान दौरान विभिन्न प्रकार इश्तेहार जारी करभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति विधान रही विधानसभा निर्वाचन पर बिहारवासी को बर्तमान दौरान बर्तमान आम अच्छा बिहार शाहपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल में जो महामेंट जो रही विरोधी मानक आरजेडी जो प्रार्थी रही राहुल तिवारी जेकि एठाकर विधायक अच्छा से पुणी थे निर्वाचन बर्तमान लड़ुंटे आज ही सभार आयोजन एटी जो रही आरजेडी जो रही उपमुख्यमंत्री जो रही है विरोधी दल नेता जी रही तेजस्वी यादव से बर्तमान आसिक किसी समय पर पहुँचे से यही निर्वाचन जो रही माहौल निर्वाचन सभा को संबोधित करेंगे सहित जानते हैं जेहेतु महामेंट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा भाव में प्रार्थी बर्तमान कर आगे जेहेतु यूपीए ही विरोधी महामेंटर अच्छा आरजेडी अच्छी कांग्रेस अच्छी वामपक्षी दल रही बर्तमान आप दृश्य देखिए जो सभा आयोजन हम समय पर तेजस्वी यादव पहुंचे से प्रार्थी रही राहुल तिवारी संबर्धित करेंगे निर्वाचन सभा को जनमानस बर्तमान आप देखी पड़ते हैं समर्थक रही राहुल तिवारी। मास्क पिंधि कि सामाजिक तथापि जो प्रार्थी जी रही पूरा पूरी भाव में ढड़ाई आम सीधा सख्त प्रतिक्रिया ना एठाकर जो रही साधारण जनता जो रही जो मैंने देखा बर्तमान आई कि समय पर आसिकी तेजस्वी यादव आसिक पहुँचे सभा को संबर्धित करेंगे आम सीधा सख्त एठाकर जो अच्छा स्थानीय लोक सीधा सख्त प्रतिक्रिया ना और कुछ समय बाद तेजस्वी यादव आ रहे हैं। बिहार में किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ी जा रही है, क्या उम्मीद रखते हैं आप बिहार से? आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? बिहार से आरजेडी का सीट निकला यही कामना है। जो अच्छा जनमानस अच्छा जेहेतु आ किसी समय पर जो नेता रही आसिक पहुँचे तेजस्वी यादव से जनमानस पूरा पूरी भाव में भिड़ होती लोक मैंने अधिक उत्साहित होती हेलिकप्टर दृश्य बर्तमान देखे जो आरजेडी हेलिकप्टर रही हेलिकप्टर तेजस्वी यादव बर्तमान आसुँचर किसी समय आसिक हेलिकप्टर बर्तमान करें से आसिक सभार संबर्धित करेंगे अभी दृश्य बर्तमान देखे जो 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 आरजेडी जो चिन्ह रही लक्षण चिन्ह से प्रार्थी मैंने रोचित प्रार्थी को भोट गाँ गाँ घर बुले डोर कैंपेनिंग बर्तमान करेंगे देखते पूरा बड़े उत्साहित हो समस्ते जो रही जेहेतु शाहपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल आरजेडी ही अच्छी विधायक राहुल तिवारी से मैं आउ थे निर्वाचन लड़ते हैं जनमानस पूरा कितने खुश हैं, क्या चाहते हैं बिहार से अभी का? अभी हम यहाँ से अपना विधायक ये जो राहुल तिवारी है इन्हीं को हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे।
तरह से यहाँ पे जो लोगों की भीड़ जमी हुई है उनके भी आपके आ चुके हैं और कुछ समय पर देखिए जो और हेलीकॉप्टर बर्तमान लैंड कला जेहेतु से आसवे ये सभा को बर्तमान संबर्धित परेश दृश्य बर्तमान आप देखी पड़े जो विधायक प्रार्थी जी रोचे देखा कर राहुल तिवारी से जाऊँ स्वागत करने स्वागत करेंगे और जो नेता आते राहुल तिवारी से दृश्य बर्तमान देखुवे राहुल तिवारी जाऊँगी से बर्तमान स्वागत करेंगे संबर्धना देते और जो रोचे तेजस्वी यादव नेता आने स्टेज पाखक जेहतु आप ही निर्वाचन मंडलटी हूँ शाहपुर शाहपुर निर्वाचन मंडलटी आरजेडी ही अच्छी सी जो राहुल तिवारी रहती विधायक ही निर्वाचन टिकट मिली निर्वाचन लड़ाई पर जहाँ आप जानते विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति स्टार पत्र जारी कर सब राजनैतिक दल कौन कौन सब कम करेंगे कौन करेंगे जनता मैं कौन सब विकासमूलक कार्य हम आंतरिक स्टार पत्र जारी कर दृश्य देखेंगे आज किसी अच्छी जनमानस बिहार बर्तमान निर्वाचन होड़ी बर्तमान होती एनडीए एनडीए पक्ष जानते हैं आपड़ जो 243 आसन निर्वाचन होगा एनडीए यूपीए कर्णाटक बर्तमान यूपीए विरोधी एनडीए बीजेपी जेडीयू सहित एच एम ए जेहेतु कांग्रेस रही बीजेपी आरजेडी रही वामपंथी दल रही महामेट विरोधी निर्वाचन होती पूरा भाव में बिहार कलाकृत टक्कर बर्तमान देखा जेहेतु कोरोना समय देशर ऐतिहासिक निर्वाचन हम कहीं जेहेतु कोरोना महामारी कटक निर्वाचन होगा जाऊँगी निर्वाचन आयोग पक्ष विभिन्न प्रकार गाइडलाइन जारी कर तेजस्वी यादव विरोधी दल नेता अच्छा बिहार विधानसभा पूरापुर भाव में सुरक्षा कड़ाकड़ी कर सुरक्षा बाहन प्रस्तुत रही राहुल तिवारी जी रखी से जाने जो कार्पेट रही कार्पेट जरिया से स्टेज पास बाहर पहुँचे सभा को संबोधित करेंगे प्रार्थी भोट मांगे अनेपटे जो जनमानक ସେମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କି ସଠିକ୍ ନିୟମ କିଛି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତାହା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବା ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण राजनाथ सिंह समस्त ये आसार दृश्य बर्तमान देखी तेजस्वी यादव पहुंची सारी जो रही समर्थक जी विधायक प्रार्थी रही से आनंद तेजस्वी यादव सीधा सड़क राष्ट्रपति बर्तमान स्टेज जाए पहुँचे और सभा को बर्तमान संबोधित बर्तमान करेंगे दृश्य बर्तमान देखिए ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ତେଜସ୍ୱୀ ରେଡ଼ି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପର ମାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭାକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦେଖେଇବି ଷ୍ଟେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନେତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ମାଗିବେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଅନେକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 243 ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଉଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଖାସ କରିକି ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ୟୁପିଏ ମଧ୍ୟରେ କଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଭାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଦୃଢ଼ତା ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବେଶ ସରଗରମ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସଦାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
देखा 15 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बता बेरोजगार नौजवान नीतीश जी को रोजगार दे ले बिहार चित्र देखिपे कि बिहार रे राजनैतिक माहौल बेस उष्म रही समस्ते निज निज पक्षर जोरदार कैंपेन आरंभ कर सारे समस्ते निज को किभली भोट पाई विजय हासिल करेंगे समस्ते से भोट विज्ञापन कर गत काली आम आपको चित्र देखाऊ बीजेपी अनेक तथ्य कहवा अनेक संकल्प नहीं अर्थात अनेक मुद्दा नहीं मैदान को लाइली भाव आज आपने देखुंत सदासख तेजस्वी यादव जी रही प्रार्थी से निजर भोटर मानक किभली भाव भोट भिक्षा कर समस्ते निज आड़ को आकृष्ट करने गोटे प्रकार उद्यम चल कि भाव समस्ते विजय हासिल करेंगे किए क्यों मुद्दा नहीं ओह्लाई जोभली भाव बीजेपी एथर पांच सूत्र 111 संकल्प नहीं मैदान को ओह्लाई तेरे समय सर बुलेटिन को यही रखु नमस्कार।